नमस्कार वहाला विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वक्त अपनी आ यूट्यूब चैनल में तमारु स्वागत छे। आजे आपणे धोरण 5 विषय हिंदी नी सामायिक मूल्यांकन कसोटी सप्टेम्बर 2021 नुं संपूर्ण सोल्यूशन मेळवीशुं। ते पहेला हजु सुधी जो आपणे आ चैनल सब्सक्राइब न करी होय तो अत्यारे ज करी लो, तथा तमारा मित्रोने पण सोल्यूशन मळी रहे ते माटे तेओने पण आ विडियो शेर करो। चलो मित्रों जोईए धोरण 5 विषय हिंदी। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू छे, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो जवाब आवशे, सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसलों से निकल रहे हैं। बीजू छे, चरवाहा क्या कर रहा है? तो जवाब आवशे, चरवाहा गाय को चराने के लिए जा रहा है। 8400400400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर अपने फोन पे डाउनलोड का 8400400400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400400 अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राजकोट से पीपलिया तक का है। चौथू छे, रेल के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो जवाब आवशे, रुपए 2950। पांचमू छे, देश का सिपाही कौन है? तो जवाब आवशे, नन्हा बालक। આગળ જોઈએ મિત્રો પ્રશ્ન 2, આપેલ હિન્દી શબ્દનું ગુજરાતી કરો। પહેલું છે 50, તો તેને કેવી રીતે લખી શકાય? મિત્રો તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, તો આ પ્રમાણે તમારે લખવાનું રહેશે। બીજું છે 48 અને ત્રીજું છે 39। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 3, પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ। પહેલું, અગર તુમ સિપાહી હોતે તો ક્યાં કરતે? તો જવાબ આવી શકે, યદિ મે સિપાહી હોતા તો સંકટ કે સમય અપને પ્રાણ ભી દેતા, દેશ કી સરહદ કી રક્ષા કરતા, દેશ કે મે શાંતિ ઓર ભાઈચારા બનાએ રખતા। બીજું છે, દો યા તીન પક્ષી સાથ સાથ ક્યો ઉડતે હે? તો જવાબ આપી શકાય, દો યા તીન પક્ષી સાથ સાથ ઉડતે હે ક્યોંકી પક્ષી રાસ્તા ભટક ન જાય ઓર સાથ રહેંગે, ભય ભી નહીં રહેગા, એક હી પેડ પર રહેતે ઓર એક હી પ્રકાર કે હોતે હે। તો આ પ્રમાણે તમે લખી શકો। ત્રીજું છે, ચરવાહે ક્યાં સોચતે હોંગે? તો જવાબ આવશે, ચરવાહે સોચ રહે હોંગે કે યહાં નજદીક એસી કોનસી જગહ હોગી જહાં ગાયો કો જ્યાદા ઘાસ મિલેગી, वह जंगल की ओर जाए था और नदी की ओर, तो सोच रहे कि जंगल की ओर जाए या नदी की ओर। आगे से प्रश्न 4, विलोम शब्द लिखे। पहलू से धरती, तो तेनु थशे आकाश। बीजू से ऊंचा, तो नीचा, दाया तो बाया। त्यारबाद आगे जो प्रश्न 5, पर्यायवाची शब्द लिखे। पहलू से राही, तो तेमा आवशे राह अने मुसाफिर। बीजू से रास्ता, तो तेमा आवशे पंथ अने पंथी। त्रीजू से दुनिया, तो एमा आवशे जगत अने विश्व। आगे जो प्रश्न 6, હિન્દી અંક લખીએ। તો પહેલું છે 43, તો એમાં આવશે, તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો મિત્રો, આ પ્રમાણે તમારે તેના અંક લખવાના રહેશે। ત્યારબાદ બીજું છે 50, 34, 29 અને 19, તો આ પ્રમાણે તમે લખી શકો। તો મિત્રો આ હતું ધોરણ 5નું એકમ કસોટીનું હિન્દી વિષયનું સોલ્યુશન। આવા જ વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળતા રહીશું। આપ સર્વે આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો, સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ।